कुछ कमेंट मैंने आज देखे जिसमें आप लोगों का दर्द झलक रहा था, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम उस इंसान के बिना जी नहीं पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीने का तरीका बताऊंगा। आज आपको मैं ऐसे पॉइंट दूंगा जो आपको इस सिचुएशन से लड़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है से योर सेल्फ, मतलब अपने आप से कहो कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप अपने मन में सोचो या अपने मन में ही कहो। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि से योर सेल्फ, मतलब आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा अपने आप से। बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप किसी से बात करते हैं तो आपके लिप्स हिलते हैं, आप अपनी आवाज़ को सुन पाते हैं, वैसे ही आपको खुद से कहना है कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। आपको अपने आप से बोलना है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों करना है? देखिए, एक होता है इमेजिनेशन और एक होता है थॉट्स। इसका मतलब ये है कि जब इस लाइन को आप मन ही मन में सोच लेंगे और मन ही मन में पढ़ेंगे, आपके लिप्स नहीं हिलते हैं, आप अपनी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, तो दरअसल आप इमेजिनेशन के लेवल पर ही हैं। और जब आप इसको क्लियर कट बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं और अपने आप को सुन पाते हैं आप, तो इसका मतलब है कि फिर ये थॉट्स में कन्वर्ट हो गया और आपका माइंडसेट जो है इस पे ज़्यादा वर्क करेगा, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपके माइंड को लगता है कि इमेजिनेशन की तुलना में थॉट्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए आप जो है इस लाइन को सिर्फ सोचना नहीं, बोलना क्लियर कट और बोलते रहना। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, तब तब आप बोलो कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ या मैं उसके बिना जी सकती हूँ। तो ये मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन आपको हर बारी आपको करना है, जब भी आपको लगे कि आप किसी के बिना जी नहीं सकते, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ आपके साथ या बहुत बुरा होने वाला है, तब तब आप ये क्वेश्चन खुद से करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी दर्द से हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, तो आप खुद से क्वेश्चन करिए कि ये दर्द जो है, इस दर्द से ज़्यादा और क्या हो सकता है। तब आपको आंसर मिला गया कि ये जो दर्द हम फील कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है, इतना दर्द तो हमने कभी सहा ही नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे कोई छोड़ने की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि अगर ये इंसान हमें छोड़ देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमें तकलीफ होगी, हम रोएंगे, कुछ दिन तक परेशान रहेंगे, वो जख्म नहीं भरेगा। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करना खुद से स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअली आप चीज़ों से लड़ना सीख जाते हैं, चीज़ों को समझना सीख जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 3, जो आपको बहुत ही हेल्प करता है यहाँ से निकलने में, वो ये है स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इतना सेंसिटिव मोमेंट होता है, जब आप दर्द में होते हैं, जब आपको दुख होता है, आप रो रहे होते हैं, तो उस समय जो है आप पे नेगेटिविटी हावी होने का डर होता है, और नेगेटिविटी हावी हो गई तो वही लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। इसका मतलब है कि जितना कम सोचोगे उतना बेहतर होगा, इसलिए ज़्यादा मत सोचो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है? तो ये मेरा बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़ा पॉइंट इस वीडियो से लेकर जाएंगे। वो पॉइंट है ब्रेक डाउन, ठीक है, या ब्रेक योर ब्रेक डाउन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम हिंदी में आपको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे, मतलब आप अपना जो दर्द है उसको अपने ही हाथों से तोड़ेंगे। अब यहाँ पे इसका सेंस ये है कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आप इसको फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जी नहीं सकते, और आपको अगर लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए आपको, आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है या किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया आपने, तो यकीन मानिए आपको इसी मोमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है।
मतलब इन शॉर्ट में मैंने ये कहा कि जब आपको लगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तब आप समझ जाइए कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब तब आपको सबसे ज़्यादा लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो इसीलिए ब्रेक योर ब्रेक डाउन, मतलब अपनी इन चीज़ों को ब्रेक करिए, आगे निकलिए, लोगों से मिलना स्टार्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करिए। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ोन कॉल है, और भी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, आपकी आपकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इनसे हम जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं खुद को अकेला छोड़ने की जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आप यकीनन जो आपकी ये प्रॉब्लम है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, इससे आपको लड़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये पॉइंट आपको देखने में नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन ये उतने नॉर्मल है नहीं जितने दिखते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आई एम श्योर कि आपको पूरी मदद मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो का कोई भी पोर्शन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा loveintercity@cm4, वहाँ पे Love Intercity YouTube चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।